Everyone, today we will prove another theorem, and the theorem is: if a triangle and a parallelogram are on the same face and between same parallels, then the area of triangle is equal to the half of the area of parallelogram. ये theorem भी important है next exercise 9th class के लिए 9.2 जब exercise करेंगे यानी theorem और एक कल जो हमने कराई थी कि parallelogram on same base and between same parallels are equal in area ये दोनों theorem use होंगे तो theorem क्या है theorem में दिखा है एक parallelogram है A B C D और एक triangle है E D C इन दोनों का same base है same base पर है D C पर और दो between parallel line है A B और D C के बीच में है हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल है इसका एरिया पैरोग्राम ए बी सी डी के एरिया का हाफ होगा तो जो गिवन है लिख लो क्या गिवन है ट्रायंगल सी डी ई एंड पैरोग्राम ए बी सी डी आर ऑन द सेम बेस कौन सा बेस है सेम बेस डी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन कौन सी पैरेलल्स है डी सी एंड ए बी ये तो गिवन है हमें प्रूव क्या करना हो लिखते हैं प्रूफ ये करना इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी इज इक्वल हाफ एरिया एबीसीडी यानी कि हाफ एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी ओके तो कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन हम क्या करें ई से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो DC पर इसको मैंने नेम दे दिया E F और A से या B से किसी से भी कर सकते हैं मैं A से कर देता हूं और A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा A B C D E F तो उसको नाम दे दो G A G ये परपेंडिकुलर है मैंने रेड कलर से कर दिया है दिखाएगा तो जो कंस्ट्रक्शन में करा वो लिख दो क्या करा हमने फ्रॉम E एंड A EF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर हमने ऑन DC ये तो सबको पता है 9th में परपेंडिकुलर सिंबल होता है और क्या करा A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AG किस पर करा वो भी DC पर ओके अब देखो यहां थोड़ा सा समझो पैरेललोग्राम था ये ABCD पैरेललोग्राम है यानी कि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है ये C था ये D एक पॉइंट हमने इससे परपेंडिकुलर डाला एक हमने A से इसका परपेंडिकुलर डाला जो पॉइंट क्या था G तो AG और EF दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे क्यों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल है ये तो पता है आपको जो है पैरेलल लाइंस की बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है तो हमने क्या करा A से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AG और E से जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है कॉम्स पर DC पर तो बोथ विल बी इक्वल AF एंड सॉरी AG एंड EF विल बी इक्वल समझिए ना क्यों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स अब प्रूफ कैसे करेंगे देखिए अब तो सिंपल है प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC EDC का ट्रायंगल ही निकाल लो पहले क्या होता है हाफ इनटू बेस ED का बेस क्या है CD या DC कुछ लिखो DC into height height क्या vertex से सामने वाली opposite पर जो perpendicular होता है वो है EF तो into EF ओके ये तो था area of triangle EDC इसके आगे क्या करता हूँ मैं तो देखो क्या हुआ तो area of triangle EDC is equal to half into DC into अब देखो EF बराबर किसके हैं EF बराबर होगा AG का ही होता है मैंने तो EF की जगह हम लिख सकते हैं AG ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्यों बिकॉज EF इक्वल टू है AG और क्यों है ये भी लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल है ना दो पैरेलल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है और ये क्या है EF और AG दोनों की दोनों पैरेलल के बीच की डिस्टेंस है बस अब तो प्रूफ हो गया यहां देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इक्वल टू हाफ
इनटू, अब यहां देखते हैं डीसी इनटू एजी, ये फिगर तो आपके पास नोट कर रखी है तो मैं समझाने के लिए इसको इरेज कर देता हूं। देखो फिगर से कुछ हटाया नहीं है, मतलब केवल इसके बीच की तो पढ़ रहा है। अब देखो जरा डीसी इनटू एजी ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है हाफ, सॉरी बेस इनटू हाइट, और बेस क्या है डीसी और हाइट क्या है इसकी एजी, तो ये डीसी इनटू एजी इस सर्किट के अंदर जो है इट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्लियर, समझ में आ गया ना है, तो इसके लिए लिख दो डीसी इनटू एजी इक्वल टू एरिया ऑफ सॉरी पैरेललोग्राम ए बी सी डी दोस्तों। ओके है ना, तो ये समझ में आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, समझ में आ गया। तो बात देखो डीसी इनटू एजी, डीसी क्या है डीसी एरा बेस पैरेललोग्राम का, और एजी है ए वर्टेक्स से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, और बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, यही हमें प्रूव करना था इसमें ना, इट इज द रिजल्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 शुरू करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन डालेंगे, तो इसमें याली थ्योरम, और सिर्फ पिछले वीडियो में जो थ्योरम डाली थी कौन सी थी, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, को दोनों यूज होंगे, तो ये तो हो गया प्रूफ। अब एक बात होता है मेरे को, बहुत से लोग एनसीईआरटी में इसका प्रूफ है वो थोड़ा अलग तरीके से है, अलग 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 तरीके से है, तो हमें तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना था कि सेम बेस पर दास लो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इस सेम बेस पर हमने एक ट्रायंगल बनाया, ओके तो इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, है ना। अब जितना मर्जी ट्रायंगल तुम कहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है, देखो बहुत से लोग कहते हम तो बाहर लेंगे, बिल्कुल ले लो, क्या दिक्कत है, इसे बढ़ा दो, बेस सेम होना चाहिए, बेस ही ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का अगर बेस हमें डीसी लेना है, ये कोई पॉइंट आ जाएगा, ये अब यहां आ जाएगा, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो हाइट क्या होगी इसकी, अब ये होगी, अगर ई एफ है जो भी है ना, तो अब हाइट ये होगी, कंडीशन तो वही रहेगी ई एफ और एज इक्वल रहेगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ डीसी इंटू ई एफ, वही चीज आएगी हाफ डीसी इंटू ई एफ, ओके, और ई एफ बराबर किसके है एज के, तो ई एफ की जगह हम एज लिख सकते हैं, फिर सेम हो गया। अभी जो मैंने पहले समझाया दोबारा नहीं समझा रहा ना, इसे दोबारा समझ लो, हमने नहीं लेना ट्राइंगल, हमें यहाँ हमने पैरेललोग्राम के बाहर लिया, बाहर लिया तो इस पैरेलल लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, बढ़ा दिया मतलब, है ना। अब वर्टेक्स कौन सा ट्रायंगल का, ई, तो ई से इस पर अपोजिट साइड डीसी पर परपेंडिकुलर डाला, डीसी तो यहां तक है, तो इसको हमें आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जो कि डीसी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पर, तो ई एफ इस वाले ट्रायंगल की डीसीई की हाइट होगी, और ई एफ बराबर होगा एजी, है ना दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या था कि फिगर कैसे भी हो, जरूरी है कि हमें जो बुक में देखा है वही करना है, जो आपको समझ में आए इजी लगे जो भी है ना उस तरीके से करो। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी मैंने एक थ्योरम डाली थी, है ना, वो भी आप एक बार देख लें और इसको अच्छे से कर लें फिर, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, और वो होगी एक्सरसाइज 9.2, तो उसको करेंगे, उसमें ही दोनों थ्योरम यूज़ होंगी, है ना। हाँ, अगर आप लोग में से कई लोग अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, आपने अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों से भी बोलें कि वो वीडियो देखें और उसका फायदा उठाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।